नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री को तीनों सेनाओं ने अपनी जरूरतों की अहम लिस्ट सौंप दी है। साथ ही कोस्ट गार्ड ने भी अपनी जरूरतें बताई है। इस लिस्ट में 20 टॉप जरूरतों का जिक्र किया गया है। आज तक के पास ये पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में थल सेना ने अपने लिए नए हथियार और असलाह की बात कही है। हथियारों के नाम के साथ साथ आधुनिकीकरण की बातें भी लिस्ट में है। नेवी ने भी कई पीढ़ी की पनडुब्बियों की बात कही है। साथ ही वायुसेना ने ट्रेनर जहाजों की बात कही है। तीनों सेनाओं और कोस्ट गार्ड ने अपनी टॉप 5-5 जरूरतें बताई है। ये लिस्ट कई मीटिंग के बाद तैयार की गई है, जिसमें आज की थल सेना अध्यक्ष की मीटिंग भी शामिल है, जो करीब 3 घंटे तक चली। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। बतौर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल विक्रम सिंह ने तीनों सेनाओं के अलग अलग मुद्दे भी बताए हैं। तो काफी अहम रही है ये मीटिंग। हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, काफी अहम है और कई मायनों में ये अहम रही है मीटिंग, क्या कुछ निकल कर आया है, विस्तार से हमें बताएं। देखिए, दो तीन चीजें साफ है। 10 साल से यूपीए के कार्यकाल में आम चाहे वो वायुसेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, तमाम सेना प्रमुखों ने लगातार सरकार से आधुनिकीकरण की मांग की थी, अपने सेना के आधुनिकीकरण की मांग की थी। आपको याद होगा MiG-21 विमान जिस तरह से गिर रहे थे, तो तमाम चीजों को ध्यान पर रखते हुए खासकर नरेंद्र मोदी और NDA की जो सीमा पर रक्षा करने की और सुरक्षा बलों को और मजबूत बनाने की बार बार जो कवायद बार बार जो बात करते रहे, उसी की एक कड़ी है ये। जब आज आर्मी चीफ मिले हैं प्रधानमंत्री से और रक्षा मंत्री अरुण जेटली से, और तमाम जो रक्षा मामलों में जो जरूरतें हैं, चाहे वो सेना की जरूरत हो, चाहे आर्मी की जरूरत हो, चाहे थल सेना की जरूरत हो, तमाम उनके आधुनिकीकरण से लेकर तमाम चीजों की खरीद, चाहे हथियारों की खरीद को लेकर तमाम बातें श्वेता यहां पर रखी गई हैं इस बैठक में। और शायद प्रधानमंत्री ने उनको आश्वस्त भी किया है कि ऐसी कदम सरकार उठाएगी कि सेना के आधुनिकीकरण और सेना के मनोबल को मजबूत रखने में जो भी उपाय होंगे वो सरकार उठाएगी। जी अमिताभ, बजट से पहले ये तीन लिस्ट एक तरह से तीनों सेनाओं की तरफ से दे दिया गया है, तो क्या कहें, इसे किस तरीके से देख सकते हैं? और साथ ही ये बताएं कि क्या आर्मी का खास करके बजट बढ़ाने की उनकी बात कही गई थी, तो इस पर भी जोर दिया जाएगा और इस पर भी आगे आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि कुछ विशेष करके पैकेज या फिर इनका बजट, आर्मी का बजट बढ़ाने पर हम देख सकते हैं कुछ ध्यान दिया जाएगा। देखिए, अरुण जेटली रक्षा मंत्री ही नहीं, वित्त मंत्री भी हैं देश के, और उनका इस बैठक में मौजूद रहना, जब सेना प्रमुख प्रेजेंटेशन दे रहे हों श्वेता, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि रक्षा और वित्त मंत्री एक हो, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं से ये जो रक्षा बजट है उसके बढ़ोतरी हो सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार सीमा पर सड़कें बनवाने से लेकर बेहतर संचार सुविधा उपलब्ध कराने से लेकर सेना को के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनको आधुनिक से आधुनिक हथियार, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे आधुनिक विमान हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, खरीदने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं से ये सब प्रेजेंटेशन देखकर सरकार अपना मन जरूर बनाएगी सेना का बजट बढ़ाने से लेकर, सेना को आधुनिक बनाने से लेकर, सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए तमाम उपाय उठाकर, कदम उठाकर।